नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। सत्ता संग्राम में आज हम बात करेंगे शेखावटी की। शेखावटी के 3 जिलों में से सीकर लोकसभा क्षेत्र का अपना अलग महत्व है। सैनिकों का जिला माने जाने वाले संसदीय क्षेत्र की राजनीति प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से कुछ अलग है। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसने देश भर में जाट राजनीति को नए आयाम दिए। सीकर की ही धरती से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में जाटों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके बाद देश भर में जाट राजनीति में हलचल पैदा हो गई थी। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिस पर स्थानीय ही नहीं बाहर के कई दिग्गज नेताओं की नजर रही है। यहाँ से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल भी सांसद रह चुके हैं। इस सीट से इस बार कांग्रेस से सुभाष महरिया और भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद सुमेधानंद सरस्वती को ही मौका दिया है। अनिल जी, आप क्या कहेंगे सीट के बारे में? एक तो ये ऐसी सीट है जो पहले आम चुनाव में ही प्रतिपक्ष के खाते में चली गई थी। राम राज्य परिषद बनाई थी राजाओं ने मिलकर के राजस्थान के कांग्रेस के खिलाफ, और राम राज्य परिषद ने पहले ही चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उनके प्रत्याशी नंदलाल, उन्होंने ये सीट जीत ली थी। लेकिन इसके बाद ये शेखावटी तीनों सीटें, इसमें शुरू के 3-4 चुनाव सीकर चुरू झुंझुनू में प्रवासी राजस्थानियों के प्रभाव में रहे जी। ये शेखावटी वो इलाका है जिससे लोटिया लेके लोग बाहर निकले और कोई बिरला हो गए, कोई बांगड़ हो गए, कोई डालमिया हो गए, कोई गोयनका हो गए, पूरे देश की राजनीति और इकोनॉमिक्स को संभालने वाले लोग यहाँ से निकले हैं। खासतौर पर व्यापार जगत में कोलकाता में और आसाम में, पूर्वोत्तर भारत में, खास कलकत्ता में, बिहार में भी जो व्यापारियों का साम्राज्य है, उद्योगपतियों का साम्राज्य है, उसमें बहुत बड़ा योगदान शेखावटी के उद्योगपतियों का है, और दुबई में भी बहुत बड़ा योगदान शेखावटी के उद्यमियों का है। तो शुरू के चुनाव में पहली बार तो रामराज्य परिषद जीती, लेकिन बाद के दो चुनाव रामेश्वर टांटिया ने सीकर से INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीत लिए। तब ऐसा नहीं था कि तब मतलब कांग्रेस पार्टी की तरह वो लोग वोट करते थे और पार्टी की जड़ें थी तो जाति नहीं देखी जाती थी कि जाट है, राजपूत है, कि तो प्रवासी राजस्थानी कोई आता, कोई भी अग्रवाल, बनिया, जैन, और वो चुनाव लड़ लेता। तो रामेश्वर टाटिया 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के MP रहे, लेकिन उसके बाद आर के बिरला नहीं आए, क्षमा करें, रामेश्वर टाटिया के बाद में साबू आए और साबू ने चुनाव जीता भारतीय जनसंघ के टिकट पर। सीकर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें कांग्रेस का गढ़ नहीं रही कभी। पहले रामराज परिषद आई, 2 बार कांग्रेस आई, फिर भारतीय जनसंघ आ गई, और भारतीय जनसंघ के बाद में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री किशन मोदी सांसद बने। उसके बाद में 77 का चुनाव आज जगदीश प्रसाद माथुर, जनता लहर थी, आपातकाल के बाद का चुनाव था, उसमें किसी ने प्रत्याशी नहीं देखा, सब ने हल्दर किसान को वोट दिया, दूसरी आज़ादी की बात थी, तो जगदीश प्रसाद माथुर भी यहाँ से सांसद रहे जो भारतीय जनसंघ से आते थे, पर सबने लोक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, जनता पार्टी बनी थी और उसका कोई चुनाव चिन्ह नहीं बन पाया था, तो सबने लोक दल के चुनाव चिन्ह हल्दर किसान पर चुनाव लड़ा, तो जगदीश प्रसाद माथुर यहाँ से लोकसभा के सदस्य चुने गए। उसके बाद से ये सीट जाट सीट हो गई 77 के बाद से। कुंभारा हमारे 80 में बने MP, जाट लीडर थे, बड़े भारी दिग्गज, और कुंभाराम आर्य जनता पार्टी समाजवादी से बने, उन्होंने भी हराया था श्री किशन मोदी को, कांग्रेस के थे। लेकिन उसके बाद बलराम जाखड़ आ गए, बलराम जाखड़ पंजाब में अबोहर से चुने जाते थे, पंजाब में प्रतिपक्ष नेता थे कांग्रेस में, लेकिन उन्होंने यहाँ से आके चुनाव लड़ा और बलराम जाखड़ सांसद बने। बलराम जाखड़ 2 बार यहाँ से सांसद बने जी। बीच में एक बार देवीलाल ने हराया, देवीलाल जीत के गए, देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष बने, बाद में वो भारत के कृषि मंत्री बने। तो बड़े बड़े दिग्गज, कुंभाराम आर्य बड़े दिग्गज थे, बलराम जाखड़ बड़े दिग्गज थे, देवीलाल बड़े दिग्गज थे, और इसके बाद में सुभाष महरिया 3 बार वहाँ सांसद रहे BJP के टिकट पर। सुभाष महरिया के बाद महादेव सिंह खंडेला जो केंद्र में जी। परिवहन राज्य मंत्री रहे, सड़क परिवहन राज्य मंत्री रहे, वो यहाँ से कांग्रेस से चुन के गए, और उसके बाद पिछली बार बाबा रामदेव के
कि कहने पर जिनको टिकट मिला, सुबेदानंद सरस्वती, उनका आश्रम भी है सीकर में, पर वो हैं तो हरियाणा के बेसिकली, पर जाट हैं और वो आर्य समाजी नेता हैं, आर्य समाजी संत हैं, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए। सुभाष मैरिया ने भाजपा से टिकट कटने पर बगावत की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, पर वो फिर पाला बदल के कांग्रेस में आ गए और अब कांग्रेस के टिकट पर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने में इस वक्त वहाँ पर जो जाति समीकरण है वो तो दोनों चूंकि जाट हैं जी, इसलिए कुछ कहने लायक स्थिति नहीं है। नहीं, लेकिन हम ये बात करें अगर इनके कार्यकाल की, अगर हम बात करें तो जो सुमेधानंद सरस्वती हैं उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? हाँ, वो खुद हमारे स्टूडियो में आए थे, आधा घंटा उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ा दावे किए थे ये काम किया वो काम किया, लेकिन बहुत काम अभी बाकी है होना। तो सुमेधानंद सरस्वती का ऐसा नहीं है कि ऐसा कार्यकाल रहा हो लोग आंख मीच के वोट दे दें उनको जी, लोग सोच समझ के वोट देंगे। मोदी के लिए आंख मीच के लोग वोट दे रहे हैं वो अलग बात है, पर सुमेधानंद सरस्वती को आंख मीच के लोग वोट दे रहे हो मैं नहीं मानता। और सीकर में ही राहुल गांधी ने सभा कर ली है जी, सीकर में चौहू आता है, खंडेला आता है, सीकर आता है, धोद आता है जहाँ से सीपीएम बराबर जीतती रहती है जी, गढ़ सीपीएम का, और खंडेला है, श्रीमाधोपुर है जहाँ से शेखावत विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए वो दीपेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त एमएलए हैं। तो इस वक्त वहाँ वर्चस्व कांग्रेस का है। राजेंद्र पारिक सीकर से एमएलए हैं जो मंत्री रह चुके हैं, परसराम मोरदिया, ये पूरा इलाका जो है नीम का थाना, ये सब इस वक्त कांग्रेस में हो रखा है जी। तो अपेरेंटली देखें तो इस वक्त विधानसभा चुनाव के हिसाब से बाजी कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन चूंकि वो साधु हैं, आर्य समाज के संत हैं, सुमेधानंद सरस्वती, कोई दाग उन पर नहीं, कोई कलंक नहीं, और बीजेपी में मोदी मोदी सब जगह हो रहा है, तो इसलिए चुनाव में टक्कर है। अदरवाइज वैसे लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र अधिकांश कांग्रेस तरफ झुके हुए हैं इस समय। इसमें आपने जो हम सुमेधानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे सांसद भी हैं जिनके पास सबसे कम संपत्ति है, ये उसमें भी उन्हीं का नाम दर्ज है। हाँ नहीं, वो बिल्कुल साधु हैं, संपत्ति तो आश्रम वगैरह उनके हैं, वो संस्थाओं के नाम होंगे, खुद के नाम नहीं होंगे, खुद के नाम बिल्कुल कुछ नहीं। गायें हैं आश्रम में, कई तरह के पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां लगा रखी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं वहाँ पर जी। लेकिन जनता ऐसे काम नहीं देखती, ये बातें आंकड़े नहीं देखती, संपत्ति कम है ज्यादा है। संपत्ति की बात की जाए तो मेरे ख्याल से सुभाष मैरिया की संपत्ति कई गुना ज्यादा होगी इनसे जी। सुभाष मैरिया केंद्र में मंत्री रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में जी, तीन बार के सांसद हैं वो यहाँ से, नहीं और मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में जी, तो उनके पास तो कोई संपत्ति कमी नहीं होगी, और चुनाव भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं वो। लेकिन वो जो आर्य समाज के साधु हैं, संत हैं, उन्होंने बाकायदा काम तो किया है कि वो सांसद का जो केंद्र बनता है कलेक्ट्रेट में, वहाँ रेगुलर बैठते थे जी, लोग इसकी शिकायतें लेते थे, कार्रवाई करने की कोशिश करते थे, उनकी रेगुलरिटी रही है अपने संसदीय क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि नज़र नहीं आ रहे, कहाँ घुस गए कहाँ छुप गए, ऐसा नहीं था उनका जी। लेकिन मैरिया भी बहुत ही वो रहे काफ़ी, और लक्ष्मणगढ़ जहाँ से पहले उनके भाई एमएलए रहे जी, या वो उनका इलाका है दरअसल ये, तो वो लक्ष्मणगढ़ का भी, धोद का भी, खंडेला का भी, सीकर का भी, चौमू का भी, चौमू में बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं इस वक्त रामलाल शर्मा जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के देहात के, लेकिन खंडेला निर्दलीय हैं, लेकिन वो महादेव सिंह खंडेला कांग्रेस के साथ हैं, बागी होकर कांग्रेस चुनाव लड़े थे। नीम का थाना, दातारामगढ़, ये सारे इलाके इस वक्त कांग्रेस तरफ झुके हुए हैं, तो इसलिए ये सीट भाजपा के लिए आसान नहीं है बचाना। यहाँ पर भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है कांग्रेस से, और कांग्रेस का प्रत्याशी भी मेहनती है, नाम है उनका, तीन बार सांसद रहने की वजह से, केंद्रीय मंत्री रहने की वजह से, और अगर कांग्रेस के विधायक एकजुट हुए जी, क्योंकि यहाँ कई दावेदार थे मंत्री पद प्राप्त करने के जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला, तो वो अगर फ्रस्ट्रेशन में आ गए, काम नहीं किया, तब तो कांग्रेस का काम तमाम हो जाना है। नहीं, और जब भी हाल ही विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा दम दिखाया, उसी के बाद की बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल कि जीत के जो आए हैं राजेंद्र पारिक भी जी, मंत्री रह चुके हैं, उद्योग मंत्री जी, दीपेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, महादेव सिंह खंडेला केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, दिग्गज हैं और मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है इनको जी, तो वो ये देखने वाली बात होगी कि शेखावटी के जिन दिग्गजों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गहलोत जी ने, वो लोग क्या फ्रस्ट्रेशन में है या वो लोग काम कर रहे हैं पार्टी के लिए जी। अगर वो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास बढ़त है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बढ़त है, ये बहुत बड़े दिग्गज हैं सारे, इनके मुकाबले भाजपा के लोग उतने दिग्गज नहीं है, उतने मेहनती भी नहीं है,
पार्टी जरूर काम करती है, कार्यकर्ता जरूर काम करता है, लेकिन इस इलाके में मुस्लिम वोट भी काफ़ी है। पहले मैंने एक बार चर्चा में भी कहा था कि भाई चौहान ने चुनाव लड़ा इस चुनाव से पहले चुनाव में, इस बार तो उनको इतना समर्थन नहीं मिला जी। उनको 38-40 हज़ार वोट मिले, 35 हज़ार वोट अकेले सीकर शहर में मिल गए वाई चौहान को, और वो नंबर वन रहे सीकर में, जीतने वाले से भी ज़्यादा वोट मिले उनको जी। तो वो मुस्लिम वोट भी एकजुट होकर के राजेंद्र पारिक को मिला, इस बार राजेंद्र पारिक जीत गए, तो कांग्रेस को जाएंगे वो वोट, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो लक्ष्मणगढ़ सीट है इस पर भी मुस्लिम वोट है, सभी सीटों पर मुस्लिम वोट भी है, तो मुस्लिम वोट और जाट वोट डिवाइड होंगे बीजेपी वर्सेस अदर्स जी। और हरिराम रिणवा वहाँ पे यूआईटी चेयरमैन थे, वो चाहते थे टिकट बीजेपी से, तो क्या वो सक्रिय हैं जी। क्या वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, या कि वो टिकट नहीं मिलने पर घर बैठ गए, इस पर भी निर्भर करेगा जी। बीजेपी की क्या स्थिति है। तो आज की तारीख में अपेरेंटली देखने लगता है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन चूँकि उन पर कोई दाग नहीं है, उन्होंने 5 साल नियमितता बनाए रखी, जनता से संपर्क बनाए रखा, और मोदी मोदी कहने वाले नौजवान भी इस इलाके में हैं, हनुमान बेनीवाल के बीजेपी के साथ समझौता होने की वजह से वो जो जाट नौजवान है वो बीजेपी की तरफ मुखातिब हुआ है, इसका संबल उन्हें मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कड़ी टक्कर हो सकती है। चलिए, ये तो अब 6 मई को जब मतदान होगा उस दिन पता चलेगा कि किसके पक्ष में कितने वोट जाते हैं।